हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, एक आर्टिकल आया है एपीईसी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। द बाइडेन जी मीटिंग विल बी बिगेस्ट शो ऑफ द मल्टीलेटरल समिट करंटली अंडर वे इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में ये जो हो रहा है मल्टीलेटरल समिट, इसमें सबसे बड़ा इसका क्या रहेगा इम्पोर्टेंस, कि वहाँ पे बाइडेन, जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और शी जिनपिंग जो चाइना के हैं, इनके बीच में बाइलेटरल मीटिंग होने वाली है। तो देखते हैं क्या है। द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर एपीईसी ग्रुपिंग इज मीटिंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर द लीडर्स वीक दैट बिगेन ऑन नवंबर 11 एंड विल कंक्लूड विद द इकोनॉमिक लीडर रिट्रीट ऑन फ्राइडे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वर शेड्यूल्ड टू हैव अ फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग इन अ ईयर ऑन वेंसडे ऑन द साइडलाइन ऑफ द समिट। तो यहाँ पे इन दोनों का मिलना बहुत बड़ी बात है। द ग्रुपिंग है क्या, ये एपीईसी क्या है। एपीईसी इज अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम दैट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1989 विद दी स्टेटेड एम टू लेवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक एंड क्रिएट ग्रेटर प्रोस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ द रीजन थ्रू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसका मेन एम है। द 21 मेंबर्स ऑफ एपीईसी आर कॉल्ड इकोनॉमीज। तो इसको कंट्रीज नहीं बोला जाता है, मेंबर स्टेट नहीं बोला जाता है, 21 मेंबर को उनको बोला जाता है इकोनॉमीज, बिकॉज ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज आर द फोकस ऑफ द ग्रुपिंग। ताइवान एंड हांगकॉन्ग अटेंड एपीईसी मीटिंग एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज, इवन दो चाइना सेज दे आर पार्ट ऑफ चाइना। तो चाइना तो बोलता है कि हांगकॉन्ग और ताइवान हमारा अपना है, पर ये दोनों उसको एक डिस्टिंक्ट एंटिटी की तरह से पार्ट लेते हैं उसमें। द एपीईसी इकोनॉमीज आर ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, हांगकॉन्ग एज अ पार्ट ऑफ चाइना, द फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइनीज ताइपी यानी ताइवान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक्सिको, पेरू, चिली। तो ये सारे, मतलब आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन नीचे में आ गया। यहाँ पे आप देखिए इंडोनेशिया, यहाँ पे ये सब बड़े कंट्री हो गए सारे, साउथ एशियन कंट्रीज हो गए। यहाँ पे आपका चाइना हो गया, यहाँ पे आपका फिलीपींस हो गया, यहाँ पे आपका जापान हो गया, और इधर में आपका ऊपर में रशिया हो गया। यहाँ पर आप देखिए आपका हो गया अमेरिका, नीचे में चिली आ गया, यहाँ पर चिली के साथ यहाँ पे बीच में ये मेक्सिको वाला आ गया ऊपर में, तो आप देखिए पेरू आ गया चिली के ऊपर में। तो ये जितनी भी कंट्रीज है, और यहीं पे आपका साउथ कोरिया आ गया, नॉर्थ कोरिया ऊपर में है, ये नीचे वाला साउथ कोरिया। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक ये जो आपका है, आप इंडो पैसिफिक तो ये वाला एरिया हो गया, ये आपका कहाँ गया, आपका ये एशिया पैसिफिक, तो ये आपके एशिया हो गया, और ये पैसिफिक ओशन बीच में है इन दोनों कॉन्टिनेंट्स, चारों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, तो ये आपका एशिया पैसिफिक हो गया। तो इसके बॉर्डर में जो जो कंट्रीज आ रहे हैं वो सारे आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपको मैपिंग में देखना एक बार पड़ेगा। तो चलिए, ऑल लोकेटेड ज्योग्राफिकली अराउंड द पैसिफिक ओशन। तो ये एशिया हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो पैसिफिक ओशन के पास में जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे इसमें हैं। तो एपीईसी का रोल क्या है। द ग्रुपिंग चैंपियंस फ्री ट्रेड, लोवरिंग द ट्रेड टैरिफ एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अकॉर्डिंग टू यूएस स्टेट्स डिपार्टमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द ऑपरेशन। एपीईसी एस्टेब्लिश्ड इट्स कोर ऑब्जेक्टिव इन 1991 सियोल डिक्लेरेशन। एपीईसी मेंबर इकोनॉमीज प्रोक्लेम द क्रिएशन ऑफ लिबरलाइज्ड फ्री ट्रेड एरिया अराउंड द पैसिफिक रिम एज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया मेड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू जॉइन एपीईसी 1991। इन 2016 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निर्मला सीतारमन टोल पार्लियामेंट दैट द रिक्वेस्ट टू ज्वाइन वॉज बेस्ड ऑन इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन, पोटेंशियल साइज ऑफ द इकॉनमी एंड डिग्री ऑफ द ट्रेड इंटरेक्शन विथ एशिया पैसिफिक। तो अभी इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, पर इंडिया ने फॉर्मल रिक्वेस्ट किया है कि हमें भी लो उसके अंदर। किस बेसिस पे किया है, कि हम ऑलरेडी एक बहुत बड़े इकॉनमी है, और जितने भी कंट्रीज है उनके साथ हमारा एक मेजर ट्रेड रिलेशन है, इसलिए इंडिया ने बोला था हमें एपीईसी में आप शामिल करिए। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, और अगर समरी आपको देखना है क्या हमारे लिए वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहले आपके लिए लोकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है।
कहाँ पर क्या है, ठीक है। सेकंड, एपीईसी इम्पोर्टेंट है। थर्ड, आप देखिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव, रोल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया ने जैसे रिक्वेस्ट डाली हमने बस देखा है वो चीज़। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं फिर से बता दूँ, ये इंडिया है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में चाइना है, उसके ऊपर में रशिया है, यहाँ पे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पे जापान है आपका, यहाँ पे फिलीपींस है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका इंडोनेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर है, और सिंगापुर है, और यहाँ पे थाईलैंड आ गया आपका, और देखिए कोरिया हो गया, रशिया ऊपर में हो गया, कनाडा, अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ऊपर में कनाडा हो गया, यहाँ पे मेक्सिको हो गया, ठीक है। और ये साउथ अमेरिका में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिली हो गया, यहाँ पे पेरू हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, साउथ ये हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पे पेरू हो गया, चिली हो गया, मेक्सिको हो गया, यहीं पे आपका वियतनाम है, ठीक है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया हमने देख लिया, हांगकॉन्ग आपका, चाइना, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे न्यूजीलैंड, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी, और ये सारे जगह जो है हमें पता होने चाहिए मैप पे, जैसे तुरंत आप पेपर पे बना दो कहाँ पर क्या है, अप्रोक्सीमेटली नहीं पर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है। तो बस ये चीज़ लोकेशन में इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।